रिएक्शन देने जा रहे हैं, रिएक्शन देंगे वापस आएंगे, गहराइयों में नहीं जाना हमने। 8 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की बननी चाहिए। वैसे मजे की बात यह है इसमें टोटल कोई 2 मिनट का ही कॉन्टेंट होता है वैसे भी डक्की की वीडियोज में। पहले रोस्टिंग करता था, अब लोग इसे रोस्ट करते हैं, समझ रहे हो। टाइटल है सेलिंग माई ड्रीम कार विद टूटा हुआ दिल, ऑडी ई-ट्रॉन जीटी बहुत याद आएगी, क्या पता वो तुम्हें याद ही ना करे। तो पाकिस्तानियों का बड़ा मसला, गड्डी ले लेनी सजा के रख लेना भाई, उन्हें चलाओ उत्तो इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान च बिजली आंदी नहीं, बिजली नहीं आंदी बहन, है ठीक है, ये रोले होते हैं। असल वजह बताता नहीं है कोई, हमारे बच्चे हराम खोर, गाड़ी खड़ी होगी इधर से आएंगे, इधर से आएंगे खेलते खेलते ठा बॉल मार के वो जा रहे। आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि आपके भाई की ऑडी ई-ट्रॉन जो है वो कोई बाय कर रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, वो सुनील भाई ने बोला नहीं था कि जब आप ई-ट्रॉन ले लो, मतलब सुनील भाई बाय कर रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कि जिस तरह वो मेरा काट के गई थी, सुनील भाई आपका भी काट गए। अगर ये सच है तो भाई बड़ा अफसोस हुआ यार, बहुत ज्यादा हो गई भाई। मुझे पता मैंने तुम्हें बहुत कम चलाया यार, लेकिन मैं बैठना चाहता था तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम अंदर बैठी रहती थी। What? मैं बैठना चाहता था, तुम बैठती अंदर थी, समझ रहे हो है? तुम्हें निकालना बड़ा अजाब है यार, बाहर मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, हर बंदा तुम्हें देख रहा होता, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहन चुप, गाड़ी के साथ शरेआम क्रंच। What? गाड़ी कल को उठ के क्या बोले, क्या मुंह दिखाएगी पूरे इंटरनेट के सामने, अपनी इज्जत को जलील कर रहा, 5 करोड़ की इज्जत खरीदी थी, रो रो के दिखा रहा हराम खोर। We are back with another vlog. यार ये इंट्रो था, ऐते भैन चू साडे उते सुबह सुबह रेडी वाला लेने, वो कहंदा आलू ले लो ऐसे करके, ऐसे बोलता वो, उसका इंट्रो भी ऐसे होता है। आपके भाई ने जो है ना दांत ब्रश कर लिए, ये देखा ईद की ईद, दांत ब्रश करने का फायदा, जब करो खुशी होती है। आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि आपके भाई की ऑडी ई-ट्रॉन जो है वो कोई बाय कर रहा है। और ये स्पीड क्या कर रहा है बार बार हराम खोर, बहुत मिस करूंगा मैं उसको, ठीक है, लेकिन मेरी अपनी कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं सेल कर रहा हूँ। रीजन क्या हो सकता है, देखा अमीरों पे भी गरीबी आती है। बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर, अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। यार ये मुझे समझ नहीं आई, अभी तक आपने डक्की भाई गैंग को ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लो लाइक, सेंस बन रही है इस सेंटेंस की? ये तो वही हो गया, तुम चलो मैं कभी नहीं आऊंगा। होए 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 होए। उस्ताद मानो या ना मानो, गाड़ी बहुत प्यारी, फ्रंट बैक, फ्रंट पे देखो जरा, दो बड़ी बड़ी व्हाट लाइट्स, बड़े बगैर तो भाई ये आज चले जाएगी। यार बाकी छोड़ो, ये ऑडी ई-ट्रॉन बाकी 5 करोड़ की है ना, क्योंकि मुझे ये रिम जो है ना वो दराज से बाय किए हुए लग रहे हैं, और वो भी सिविक 16 मॉडल के। हम लोग सेल क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं है, कर दो सेल, बेच दो। सिर्फ और सिर्फ 2500-3000 के करीब करीब चली है बस, ये जो 2500-3000 के करीब चली है, हमारे इधर आई होती ना गाड़ी, भाई सब गाड़ी बाद में आती है, रिश्तेदार आ जाते हैं, इधर से कोई आ रहा होता है, चाचा आ रहा होता है, अब उधर गाड़ी की थी बाहर कड़ो में जाना है, पहले दिन ही पता चलता है जनाब 4000 किलोमीटर चल गई, अगले दिन जनाब खालू आ जाते हैं, हाँ जी पुत्र, हाँ जी, ए जरा गड्डी दी कड्डी, जरा जाना है तेरे नानकियां दे उत्ते ऊपर, लो जी 1200 किलोमीटर उस दिन, ठीक हफ्ते बाद लगता ही नहीं है गाड़ी, ऐसे लगता है जैसे गाड़ी जो है वो रेंट पे ली हुई थी, अपनी लगती नहीं है, मसले हैं भाई क्या करें। फॉर्चूनर तुम लोगों को दिख रही है हमारी, यार बंदे का उस्ताद लेवल तो है, कैजुअल तरीका है यार, ये फॉर्चूनर है हमारी, ये ई-ट्रॉन है 5 करोड़ की, वो फॉर्चूनर 1.5 करोड़ की है, हमारे इधर क्या दिखा रहे होते हैं जनाब, 2.5 कटियां 2 बच्चियां, ठीक है ये रीजन है कि इस्तेमाल बहुत कम हो रही है। दूसरी रीजन ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि यार ये बहुत इसका ख्याल रखना पड़ेगा, काकों की तरह इसका ख्याल रखना पड़ेगा, कभी कोई स्क्रैच मार देगा, कभी नीचे लग जाएगी, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तीसरी रीजन ये है कि यार मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी बहुत बड़ी चीज ले ली थी, अभी बहन चो डक्की भाई तो मेरी एक्स की तरह बने हुए हैं, सारे नुक्स मेरे में ही निकाली जा रहे हैं, जैसे खुद तो कभी कुछ किया ही नहीं है। ओ भाई उसको चलाओगे, जब उसको चलाओगे तो चलाने का तरीका आएगा ना, नीचे कैसे लग सकती है, एक तो हमारी रोड्स इतनी अच्छी भाई, कारपेटेड रोड्स ऐसे बिल्कुल मुलायम, अगले दिन जाओ रोड ही गायब। वहां पे पता ही नहीं लोग खड़े होकर पूछ रहे होते हैं, भाई साहब इधर रोड था है, ये पाकिस्तान का लेवल है, ये काम एक ही कमीना कर सकता है। कुछ और लोग है कि नहीं वो तुम लोगों को बाद में पता लगेगा, तो सब्सक्राइब, मैंने नहीं पूछा, और अब ये सब्सक्राइब का मत बोलना। एक तो मुझे समझ नहीं आती यार लोगों में ये चीज कैसे आ जाती है, मतलब मैं इधर वीडियो बना रहा होता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, जब मैं सब्सक्राइब का बोलने लगता हूँ ना मेरे अंदर से आवाज आती है गरीबो, गरीबो! ऐसे करके ई-ट्रॉन के बायर साहब जो है आ गए हैं, ओके दी सीरी नानी वाला बायर, समझ रहे हो लेजेंड्स।
मट्टी और पानी पे लगा हुआ है, इसके लिए 50 लाख कम होंगे। निकल। रिच पीपल थिंग्स, समझ रहे, अमीरों के शश के पैसे, मिट्टी और पान, कुछ भी चलाई जरा भी नहीं है, सजा के रखी हुई है। ये ना हर बंदा ऐसे ही कहता है उस्ताद, अगर चीज लेने जाओ वो भी बंदा आगे से कह रहा होता है, जनाब ये बिल्कुल जब से आई है शीशा पड़ी हुई है, हाथ भी नहीं लगाया इसे, क्या पता उसको किस किस ने कहां कहां हाथ लगाया हो, समझ रहे हो। हाँ, चार समझ में नहीं आता यार, ये नानी वाला क्या महंगी वाली फूंकता है क्या भाई साहब, वीडियो नहीं देखी 5 करोड़ वो लेके गया, 5 करोड़ की खरीद के लाया, 4 करोड़ की डील दे रहा है, हमारे जैसा होता डर डर में ही कह देता भाई साहब 5.5 करोड़। भाई इनकी डीलिंग कहाँ पे चल रही है यार, हमारे जैसे तो रोड पे खड़े होते हैं तो 2 बंदे होर आ जाते हैं, आते हैं कहते हैं हाँ जी पाइन किने दी लगी जे, पहले उनको बताना पड़ता है, अच्छा एने दी डील डन हो रहे हो ना, ओ यार एने पैसे जाया कर रहे हो, एने दी नहीं जे, मैं ये कल उठे वेखी सी 3.5 करोड़ लगा सी होंदा, ठीक है वेखी वूखी नहीं होंदी है ना, एवं पाकिस्तानी थिंग्स यू नो, क्या रखना मुश्किल है यार, ईटों तुम्हें जाना पड़ेगा यार। तो भी हम सुनील भाई की तरफ जा रहे हैं, हमने जिनसे गाड़ी ली थी, ठीक है यार, ये मुझे समझ नहीं आती डिक्की क्रीम कौन सी लगाते हैं, फाइजर ब्यूटी क्रीम, ये मतलब फ्लैश के साथ साफ पता चल रहा होता है फिर भी क्रीम लगानी है, हमारे जैसे बंदे विदाउट क्रीम मुंह भी नहीं धोया, मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ सीधा आते साथ स्ट्रीम पे, शक्ल धोने की जरूरत ही नहीं है, है ही ऐसी भाई क्या करे, रिच पीपल थिंग्स यू नो, क्रीम लगाना है। बस ये आखिरी बार जो है ना आपका भाई गाड़ी चला रहा है, मजा आ रहा है गाड़ी चला के भाई, अब मुझे मजा आ रहा है, जब मैं आखिरी बार चला रहा हूँ तो मुझे मजा आ रहा है। गाड़ी में बैठो ना, गाड़ी ने चलना सीधे होता है पता भी होता है, ऐसे ही स्टीयरिंग पे हाथ घुमाते रहे, मैं भी करता हूँ, मैं भी ऐसे स्टीयरिंग पे ऐसे हाथ घुमा रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, भाई ये अलग चस है, चाहे मुड़ना नहीं है लेकिन मुड़ना भी स्टाइल में ऐसे, उधर को देखना नहीं है शीशे में नहीं देखना, ऐसे पीछे पूरा मुड़ के, कोई आ तो नहीं रहा, जब आ रहा होगा फिर मोड़ते हैं ताकि वो रुके, पब्लिसिटी स्टंट्स भाई, बेच रही है फिर बेदे, मेरे पास कोई पैसा, ये वो होते हैं हरामखोर दोस्त, मुझे याद आ गई एक कहानी, दोस्त ने बोला फोन बेच रहा है, मैंने कहा हाँ, कहता यार 10 दिन रुक जा, मैंने कहा क्यों, मैं खरीद लूंगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, 10 दिन के बाद पूछा वो तूने फोन नहीं बेचा, मैंने कहा हैं, तूने तो बोला था 10 दिन रुक जा, वो आगे से पता क्या बोलता है, भाई साहब 10 दिन गुजर चुके हैं मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने कहा व्हाट, बेच दो किसी और को, ये वही हरामखोर दोस्त है, तो मैं चुम्मी ले लूं इसकी, एक चुम्मी ले लेते हैं इसकी, एक अगर गाड़ी मुझे आके कह देना मैंने उसका अटर्नी बन जाना, हरेसमेंट ऑन द कैमरा किसी और की हो चुकी है, साइन भी कर दिए हैं, समझ रहे हो, फिर भी कितनी बुरी बात है ये भाई साहब, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, ये गाड़ी कम बेच के आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे गुर्दा निकलवा के आ गया, तलाक याफ्ता औरत की तरह चल रहा है, मुंह देखो। नहीं करूंगा लाइक, नहीं करूंगा सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो गया रिएक्शन भाई साहब, कितना रिएक्शन दे हैं, व्यूज तो उतने ही आने, कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ, भाई को भी लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब भी करना है, ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज। जे कोई सत नहीं आ रही चैक नहीं बीबा जट दिया चले सिर वाले सिर लगे चैक नहीं ना ओ वदी चैक में ते आले नाल लाई वे थयारी पता जे कोई सत नहीं जाक मेरी चैक नहीं बीबा जट दिया चले